सूचना एवं प्रसारण मंत्री संजय कुमार झा ने आज एक विभाग में मंत्री के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिहार सरकार ने तमाम कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआत से ही राज्य सरकार सक्रिय हो गई थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को बाहर से लाने, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने और बाद में जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के कारण कोरोना को कंट्रोल किया जा सका। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार के प्रयास के कारण ही मृत्यु दर सबसे कम रही। उन्होंने विपक्ष पर कोरोना वायरस से निपटने में सरकार के प्रयासों पर भी राजनीति की। संजय झा ने कहा कि बिहार में टीकाकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है, अगर कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है तो इस पर मुख्यमंत्री ने सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। काम किया, आप लोग देख रहे हैं कि बिहार को लेके कितनी बड़ी चिंता थी, आज सरकार के कामकाज का ही नतीजा है ना, जो डेथ रेट निग्लिजिबल है। आप कंपेयर कीजिए महाराष्ट्र से, आप कंपेयर कीजिए तमिलनाडु से, जिसको आप डेवलप स्टेट बोलते हैं। आप टेस्ट में भी अगर कंपेयर करेंगे रेशियो, तो बिहार अगर इतना सक्सेस स्टोरी है बिहार का कोविड में, कुछ काम हुआ तभी तो ये बात हुई ना। अगर ये काम यहाँ पर, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वैक्सीनेशन का बात हो रहा है कि बिहार में वैक्सीनेशन इतना बेटर हो रहा है, या इतने लोग बाहर से आए, उसके बावजूद बिहार में डेथ रेट निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड स्टेट से बेटर परफॉर्मेंस बिहार का रहा। कुछ जगह अगर गड़बड़ हुआ है तो इमीडिएटली एक्शन हुआ है। कल मुख्यमंत्री आते ही, जब आए हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, उन्होंने मीडिया को एड्रेस करके सारी बात बता दी कि अगर जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, एक तो पूरे बिहार में इसका जांच होगा हर एक जिला में, और अगर कोई कल्प्रिट होगा तो इमीडिएटली उसको जो हार्डेस्ट पनिशमेंट है इसमें मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड के अचीवमेंट को आप नहीं नकार सकते। कोविड में जो सरकार का काम किया हुआ है, 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने खर्चा किया, ये तो सच्चाई है, लोगों के अकाउंट में गया। इतना बड़ा टेस्ट ड्राइव हुआ, वो तो सामने में है ना, तो इसलिए कोई छवि पे असर पड़ेगी। एक दो इंडिविजुअल गड़बड़ करता है, इतना बड़ा स्केल पे टेस्ट हुआ है तो वो पॉसिबल है, अगर किया है। जैसे हम लोग को जानकारी मिली है कि एक दो ब्लॉक जमुई में है जहां पर ये गड़बड़ी हुई है, आज के पेपर में भी देखा सारा एक्शन हो गया है। लेकिन इतना मैं, क्योंकि हम लोग डे वन से, खास करके कोविड में, तो हम लोग डे वन से मुख्यमंत्री जी के साथ देख रहे थे कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन वो सुबह से शाम तक मॉनिटर नहीं किए हैं कोविड में, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है। कल ही बता रहे थे वो कि आज भी उनके पास डेली का टेस्ट रिपोर्ट, किसी दिन का टेस्ट रिपोर्ट मांगिएगा और कहीं मिले कि नहीं मिले, बिहार के मुख्यमंत्री के पास आपको जिस दिन से टेस्ट चल रहा है और कल तक का आपको मिल जाएगा। तो इतना क्लोजली मॉनिटर किया है खुद इसने, इसलिए अगर इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई है, शायद यहां से भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजना था रिपोर्ट भी भेज दिया गया है। तो और अब हम लोगों का मेन थ्रस्ट है वैक्सीनेशन पे, और मेरे ख्याल से बिहार उसका जवाब मैं क्या दूं। पूरा कोविड के टाइम में देश में कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता था मुझे बता दीजिए, आप लोग भी एक बार चेक कीजिए ना, देश में ऐसा कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है जो पूरा कोविड के टाइम में अपना स्टेट छोड़ के चला गया। आज दे रहे हैं ना बाइट, जब बिहार की जनता, हम लोगों के लाइफ टाइम में इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। जब क्राइसिस में अपने जनता को छोड़ के चले गए, सिर्फ आए, ट्विटर पे ट्वीट किया, दो बाइट दिया, वापस। तो टोटल पॉलिटिक्स यही है ना भाई। सर एक और सवाल, डिजिटल मीडिया की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपके विभाग में भी डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार है उनका ना विभाग की तरफ से आई कार्ड बनता है, नहीं उनको रिकॉग्नाइज किया। आने वाले समय में क्या प्रयास करें कि डिजिटल मीडिया, बिल्कुल डिजिटल मीडिया एक इफेक्टिव मीडिया है, समय के साथ बदलाव हुआ है और फास्ट कम्युनिकेशन का एक, सुबह अखबार तो हम नेक्स्ट डे सुबह पढ़ते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का तरीका है, उसको पॉजिटिव तरीके से यूज हो, उसमें जो भी, हम तो आज ही अभी ज्वाइन किया है, फिर हम लोग इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, क्योंकि डिजिटल मीडिया को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता सरकारी स्तर पर, यहाँ आपके विभाग में आई कार्ड तक नहीं बनता है, एक्रेडिटेशन कार्ड जो बनता था विभाग से, आप कहा जाता है कि आप अगर सीनियर जर्नलिस्ट रहे या नहीं रहे, अगर डिजिटल में काम करें तो आप नहीं है पत्रकार। मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ, मैं इसको जरूर एक बार
रिव्यू करूंगा, देखूंगा इसमें क्या। बहुत सारे पत्रकार भी पीड़ित हुए कोविड से, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिहार में कैसा टेस्ट हुआ नहीं हुआ, या जिला में कोई जर्नलिस्ट होंगे वो भी आपको बता सकते हैं जो पत्रकार है कैसा हुआ है। तो कम से कम कोविड के मामले अचीवमेंट को तो नकारिए नहीं कोई, जो काम किया गया कोविड में वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा काम शायद देश में कहीं नहीं हुआ है जो काम बिहार में पिछले एक कोविड को लेके किया गया। सर एक दिन में जितनी जांच की संख्या बताई गई है वैसा पॉसिबल लगता है आपको? एक दिन में इतना जांच हो गया होगा, ये बात लगता है आपको? अब तो जांच ही हो रहा है ना, अब तो रिकॉर्ड आ जाएगा, अब सब जगह जांच की बात हो गई है, अब तो जांच आ ही जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में लोग मोबाइल नंबर देने में घबराते थे, उनको लगता था कि जो स्टिग्मा हो जाता है, लोगों को लगेगा कि मैं कोविड टेस्ट करा के आया हूं। अब तो जांच में वो बात आ जाएगी, लेकिन जांच तो हुई है ना, इतने बड़े स्केल पे जांच हुई, तभी तो आप चेन ब्रेक किए, तभी तो स्प्रेड नहीं किया। अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा जांच भी हुई है, और रिकवरी रेट हो, डेथ रेट हो, उसको आप तो सामने वो कुछ हुआ सकता है क्या? तो रिकॉर्ड की बात है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है, अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गार्मेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गार्मेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर ग्राउंड फ्लोर सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 82101 96723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।